नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी उस पे अब बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे ने ही इसको शायद से कड़क किया गया था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर रक्षक पर ही भक्षण का आरोप लगने लगे तो जाहिर सी बात है कि मामला काफी गंभीर हो जाता है। इससे भी बड़ी बात है कि एनआईए की ओर से की जा रही जांच को लेकर के ये सवाल खड़ा हो रहा है। एक और भी बात है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर उस दिन क्या करने का इरादा था अगर वहां सचिन वाजे ही है तो? किस टेलर की बात वहां मिली चिट्ठी में कही गई है? और जेलेटिन की जो छड़े वहां स्कॉर्पियो के अंदर रखी हुई थी वो किस कहानी का प्लाट है? एनआईए इस एंगल से पूरे मामले को देख रही है और जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में एंटिलिया के पास पीपी किट पहने एक शख्स दिखाई दे रहा भी उसी दिन का फुटेज बताया जा रहा है। इसको लेकर के भी काफी जांच हो रही है और इसका आज क्राइम सीन रिक्रिएट भी होने जा रहा है। एनआईए इस बात की जांच करने में जुटी हुई कि पीपी किट पहने हुए जो शख्स दिख रहा है वह सचिन वाजे ही है या कोई और है। इसके अलावा एनआईए ये जांच कर रही है कि आखिर 25 फरवरी की शाम को सचिन वाजे की लोकेशन क्या थी। इस दिन संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी जिससे जेलेटिन की 20 छड़े भी बरामद हुई थी। यही नहीं, इस कार में एक धमकी भरा पत्र भी था। इस लेटर में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को संबोधित करते हुए लिखा गया था कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी तैयारी कर ली गई है। यदि वह एंटिलिया के पास नहीं तो फिर वे उस समय कहां थे? बहुत सारी बातें हैं कि ये जो तैयारी की बात कही जा रही है ये क्या तैयारी है और ट्रेलर क्या है, किस चीज का ट्रेलर दिखाने की बात कही जा रही है। अब जब हमने वाजे की बात की है तो सचिन वाजे को एनआईए ने अरेस्ट भी कर लिया है। इससे पहले उनसे एजेंसी ने घंटे तक पूछताछ की। एंटिलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के तार थाने के ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले मनसुख हिरेन से जुड़े हुए थे, लेकिन 2 मार्च को मनसुख हिरेन का संदिग्ध हालात में शव बरामद होता है। इसके बाद उनकी पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में वाजे पर ही पति की हत्या में शामिल होने का आरोप लगता है। हिरेन की पत्नी के आरोपों के बाद से ही वाजे की भूमिका पे सवाल लगातार उठ रहे थे। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को सौंप दिया गया है। अब इतनी बड़ी बात हो गई है, पुलिस अफसर का नाम आ रहा है, सचिन वाजे का नाम आ रहा है, तो ये भी जानना जरूरी है कि सचिन वाजे आखिर कौन है। 1972 में पैदा हुए वाजे महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में इस समय कार्यरत हैं, कह सकते हैं कि कार्यरत थे क्योंकि अभी चूंकि वो पुलिस कस्टडी में हैं। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब वे एक एनकाउंटर स्क्वाड को लीड करते थे तब उन्होंने 63 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया था। 1990 में वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था। उन्होंने कई ऐसे क्रिमिनल्स को मारा जिनके कनेक्शन छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम गैंग से थे। उनकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके यानी गढ़चिरौली में हुई थी। उसके बाद 1992 में उनका ट्रांसफर ठाणे पुलिस में हुआ जहां उन्होंने कई सारे मामलों को सुलझाने के बाद अपना एक नाम, अपना एक मुकाम हासिल कर लिया और वहीं से क्रिमिनल्स का एनकाउंटर की शुरुआत होती है। ये भी कहा जाता है कि 3 मार्च 2004 में सचिन वाजे के साथ 14 अन्य पुलिस कर्मियों को ख्वाजा यूनुस नाम के एक संदिग्ध पुलिस कस्टडी में मौत के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। ख्वाजा यूनुस 2 दिसंबर 2002 के घाट को पर बम धमाके में संदिग्ध थे। इसके बाद वाजे ने महाराष्ट्र सरकार को उन्हें सेवा में वापस लेने का आवेदन किया जिसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 30 नवंबर 2007 में वाजे ने अपना इस्तीफा दे दिया और फिर 2008 में शिवसेना
के साथ वो जुड़ गए। हालांकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी शिवसेना के साथ वो जुड़े रहे। इसके बाद करीब 16 साल के बाद 6 जून 2020 में उन्हें सर्विस में दोबारा ले लिया गया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चूंकि कोरोना काल में पुलिस के लोगों की बड़ी जरूरत पड़ रही थी, इसलिए उन्हें ज्वाइनिंग दी गई। उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बनाया गया जब उन्हें दोबारा पुलिस में लिया गया। सचिन वजे ने 26/11 के मुंबई में हुए आतंकी हमले पर जिंकून हरलेली लड़ाई नाम की एक बुक मराठी में लिखी थी। मुंबई का चर्चित शीना वोरा हत्याकांड और डेविड हेडली पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है। टेक्निकली वो बहुत साउंड हैं, और चूंकि अब इस पूरे मामले में उनका नाम आ रहा है तो ये अपने आप में काफी संदिग्ध बात मानी जा रही है। बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करूंगी पूरे मामले के साथ, आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हाँ, आप अपनी राय मेरी वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय से ये एक सोचने का मौका मिलता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी वीडियो में क्या कमी है, आप और क्या देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।